अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, और इसकी आसान सी रेसिपी, और इसमें एक थोड़ा सा एडिशन जो मैंने किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में जो है वो घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करें वो डालकर साथ में प्याज और लहसुन को आप फ्राई होने के लिए रख दें। अभी ये जो लहसुन इसमें आपको मोटा मोटा दिख रहा है, जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तब इसको मैं मैश कर लूँगी। साथ में मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है वो बारीक काट के साइड पर रख ली है, और ये मेरे पास है प्याज और लहसुन, इनको मैंने फ्राई होने देना जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए प्याज और लहसुन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनमें अपने टमाटर और सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई वो ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि हमारे टमाटर और मिर्च जो है वो अच्छे से गल जाएं। जैसा कि एज़ यूजुअल मैं हंडिया के लिए कोई भी मसाला तैयार करती हूँ, उस तरह से मैं ये एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लूँगी। और इसमें हल्का सा पानी डाला था। स्पाइसेस में मेरे पास रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी। मेरा सालन तैयार है, और जो एडिशन की बात मैंने आपसे की थी वो है ये बॉयल्ड एग। तो मैंने इसमें 2 अदद बॉयल्ड एग डाल दिए हैं, तो वो इस सालन में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। साथ में मेरी चपाती जो है वो तैयार हो गई है, मेरा लंच हो गया है रेडी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। वेलकम बैक फ्रेंड्स, इस वक्त शाम का टाइम है और मैं ये बनाने जा रही हूँ दाल चावल की खिचड़ी, बिकॉज छोटा भाई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो उसके लिए मुझे दाल चावल की खिचड़ी बनानी है। तो मुझे कोई इसका तरीका सही से नहीं आता, लेकिन मुझे याद पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा मम्मी किस तरह बनाती थी, तो मैं उन्हीं के मेथड को फॉलो करते हुए ये बनाने जा रही हूँ। लेट्स सी क्या बनता है। छोटी सी साइज़ का एक प्याज मैंने डाल दिया इसमें, और ये मेरे पास इसमें सॉल्ट है, थोड़ी सी काली मिर्च है, और ये थोड़ा सा ज़ीरा और 1-2 साबुत काली मिर्च। प्याज जब हल्के पिंकिश ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें ये स्पाइसेस डाल दूँगी, और स्पाइसेस में सिर्फ 2-3 स्पाइसेस हैं जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, यही जाएंगे क्योंकि इसमें और कुछ नहीं जाएगा, इसको लाइट सा बनाना है हमने। तो मैं इसमें ये मसाले डाल देती हूँ, काली मिर्च, ज़ीरा और नमक। इनको मिक्स करके हल्का सा पानी लगा लूँगी ताकि ये मसाले भी ना जल जाए। तो उसके बाद मैं चावल, मेरे पास है 1 कप चावल, 1/2 कप दाल, उस हिसाब से मैं 2 कप पानी डालूँगी, 2 से 2.25 कप पानी डालूँगी सिर्फ। तो ये देखिए चावल, पानी उबलने लगा, चावल मैंने इसमें डाल दिए,
और अभी जो मैं इसको थोड़ा सा जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसको दम पे लगा दूंगी। ये दोपहर में जो मैंने आलू मटर का सालन बनाया था ये वो है साथ में। तो ये देखिए हमारी खिचड़ी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने को है। मैंने इसको दम पे लगा दिया। 15 मिनट दम पे रहने के बाद भी हम देखते हैं हमारी खिचड़ी कैसी तैयार हुई है। और ये हमारी खिचड़ी जो है वो तैयार है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और भाई को दे आती हूँ। और बस मेरी आज की वीडियो में सिर्फ मेरी ये कुकिंग थी। अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह से मेरे साथ रहिएगा, मुझे कमेंट्स में अपने होने का एहसास दिलाते रहिएगा क्योंकि आपके होने से मेरा चैनल है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड बाय।